Hello friends, namaste and welcome to the day one of Happiness Challenge 2019. Today is our good day. Yes, we are going to learn how to feel good all the time. Who doesn't want to feel good? पर क्या हम ऐसा हमेशा महसूस करते हैं? क्या हम हमेशा अच्छा महसूस करते हैं? ऐसा क्यों नहीं होता? Let me narrate a small story to you. मैं एक छोटी सी कहानी से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि हम हमेशा खुश क्यों नहीं महसूस करते. एक प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी में जो अपने स्टूडेंट्स को कुछ सिखाना चाहते थे. तो उन्होंने एक दिन उनका टेस्ट लिया, सरप्राइज टेस्ट, और उन्होंने सबको एक क्वेश्चन पेपर दिया. एंड व्हाट वाज दैट क्वेश्चन पेपर? इट वाज अ वाइट ब्लैंक पेपर विथ अ ब्लैक डॉट इन द मिडल ऑफ इट. एक छोटी सी काली बिंदु थी जो कि उस वाइट पेपर के बीचों बीच थी. एंड द प्रोफेसर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू राइट अबाउट व्हाटएवर दे सी ऑन द पेपर. तो स्टूडेंट्स वर शॉक्ड टू सी दैट देयर वाज ओनली ब्लैक डॉट ऑन द पेपर एंड व्हाट टू राइट अबाउट दैट ब्लैक डॉट. बट बिकॉज इट वाज अ टेस्ट दे हैड टू राइट इट. उन्होंने लिखा, सभी ने ब्लैक डॉट के बारे में लिखा. बाद में जब प्रोफेसर ने पेपर उनके पढ़े तो उन्होंने प्रोफेसर ने उनसे एक बात कही स्टूडेंट से कि आई गेव यू दिस वाइट पेपर विद अ ब्लैक डॉट एंड ऑल ऑफ यू हैव रिटन अबाउट दैट ब्लैक डॉट. किसी ने भी आसपास जो इतनी वाइटनेस थी, जो इतनी सफेदी थी ब्लैक डॉट के आसपास, उसके बारे में किसी ने नहीं लिखा. नोबडी इवन नोटिस्ड द वास्ट अमाउंट ऑफ वाइटनेस अराउंड द ब्लैक डॉट. आवर माइंड इज लाइक दैट ओनली फ्रेंड्स. आवर माइंड सीज ओनली द ब्लैक डॉट. इट ओनली फोकसेस ऑन बैड थिंग्स एंड इट डजंट फोकस ऑन गुड थिंग्स. दैट्स व्हाई वी डोंट फील गुड. एंड व्हाई डज आवर माइंड डू दिस? Because it is programmed like that. In the ancient times, 1,000 years back, the main function of a mind was to protect us from the dangers around us, wild animals, natural calamities. So it was always on a lookout for dangers. वो हमेशा ऐसी ही चीजों की तरफ ध्यान देता था जिससे उसे हमें बचाना होता था. पर आज की बात अलग है. Today we don't have wild animals around us. नेचुरल कैलमिटीज के लिए भी हम बेटर प्रिपेयर्ड हैं. सो वी डोंट हैव टू बी वरीड अबाउट दीज कैलमिटीज, दीज डेंजर्स. और हमारे माइंड को चाहिए कि वो गुड थिंग्स पे ज़्यादा फोकस करें. बट उसने अपनी डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग नहीं छोड़ी है. तो आज का हमारा चैलेंज है टू ट्रेन अवर ब्रेन टू फोकस ऑन गुड. आज हम सारे दिन गुड थिंग्स पर, यानी कि अच्छी जो हमें चीज़ें महसूस कराती हैं, उन चीज़ों पर हम ध्यान देंगे और उनका काउंट रखेंगे. That this was the first thing that happened good to me, this was the second good thing, this was the third and so on. और जब हम रात को सोने जाएंगे उससे पहले तीन चीजों के बारे में लिखेंगे जिससे हमें सबसे ज्यादा खुशी आज मिली है. कोई भी चीज हो सकती है, a smile from a stranger, आपके नेबर ने आपके पे आपके साथ स्माइल किया, a compliment from your friend about your looks, about your dress, a thank you from boss or colleague, a free movie ticket, invitation for new year party, ya koi badi cheez jaise promotion, a big gift from family or friend, a call from an old friend. Kuch bhi ho sakta hai jisse aapko khushi mile. Aisi teen cheeze aapko raat ko sone se pehle likhni hai. Aap zyada bhi likh sakte hain, par teen cheeze likhiye aur hame कमेंट्स में बताइए विथ हैशटैग हैप्पीनेस चैलेंज 2019 आपको कितनी चीजें आज दिन में ऐसी आपने फोकस की जो आपको खुशी दी, जिसने दैट मेड यू फील रियली गुड. आप चाहे तो वो तीन चीजें भी हमसे शेयर कर सकते हैं. कौन सी तीन चीजें थी जिनसे आपको बहुत अच्छा लगा, सो दैट वी कैन ऑल्सो फील गुड एंड हैप्पी फॉर यू. इसके अलावा एक छोटा सा माइंड का एक्सरसाइज कर सकते हैं जो कि 2 मिनट से भी कम टाइम का है, जिससे कि आप इंस्टेंटली फील गुड करेंगे. उसका लिंक मैं कमेंट्स में दे रही हूँ. यूट्यूब वीडियो है मेरा, आप उसको देखिए और सीखिए कि आप 2 मिनट से कम समय में इंस्टेंटली कैसे खुश हो सकते हैं. हाउ कैन यू फील गुड इन लेस देन 2 मिनट्स. So, I'll see you tomorrow in my second video of Happiness Challenge 2019. Till then, stay happy, feel good, and have a good day.